आज हम पार्ट टू में द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का पार्ट्स टू में बताएंगे कि जो पार्ट बचा हुआ था, चलिए उस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सच वॉज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज इन द विलेजेज अबाउट उज्जैन। सच मतलब इस प्रकार वॉज द लाइफ जीवन था ऑफ द शेफर्ड बॉय चरवाहों लड़कों का इन द विलेजेज। विलेजेज का मीन्स गांव में, अबाउट उज्जैन उज्जैन के गांव में चरवाहों लड़कों का ऐसा ही जीवन था। उज्जैन के गांव में चरवाहों लड़के लड़कों का ऐसा ही जीवन था। देयर वर मेनी ऑफ देन उनमें से कई, देम का मीन्स होता है उनमें से, मेनी मतलब कई, उनमें से कई और एंड और इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर। लॉन्ग डेज का मीन्स होता है पूरे दिन, लॉन्ग का मीन्स लंबे होता है, लेकिन यहाँ पूरे से लॉन्ग डेज पूरे दिन ऑन द पास्चर चारागाह में ही बीत जाता था। पूरे दिन चारागाह में ही बीत जाता था। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। उन प्लेंटी का मीन्स प्रचुर मात्रा में, ऑफ टाइम का मीन्स समय होता था, फॉर फन मजाक के लिए। उनके पास मजाक के लिए या फिर खेल के लिए पर्याप्त समय होता था। वन डे एक दिन दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड वे एक खेल का मैदान पाए। प्ले ग्राउंड का मीन्स होता है खेल का मैदान, फाइंड का सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज और यह कितना आनंददायक था, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इसका मतलब चौंकते हुए बोलेंगे, और यह कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज पेड़ों के नीचे की जमीन वाज रफ खुरदुरा था एंड अनइवन असमान था। पेड़ों के नीचे का जमीन खुरदुरा और असमान था। हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट। एंड का मीन्स होता है सिरे, ग्रेट ग्रेट स्टोन बड़े पत्थर के, बड़े बड़े पत्थरों के सिरे पिप डाउन निकले हुए थे, मतलब उस महल के पास पत्थर के बड़े बड़े सिरे निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल और मध्य में देयर वाज ए ग्रीन माउंड एक हरा टीला था। ग्रीन का मीन्स होता है हरा, माउंड का मीन्स होता है टीला, और बीच में एक हरा टीला था। विच लुक्ड जो दिखता था वेरी मच बहुत ज़्यादा लाइक अ जज सीट न्याय सिंहासन की तरह, लिखता जो बहुत कुछ न्याय सिंहासन की तरह दिखता था। जज का मीन्स होता है जज सीट मतलब न्याय सिंहासन। एट लास्ट अंत में वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक थॉट सो ऐसा सोचा, लड़कों में से एक लड़का ऐसा सोचा, क्या सोचा, सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट इस पर स्वयं बैठ जाता है। सीटेड का मीन्स होता है बैठना, ऑन इट इस पर स्वयं इस पर बैठ जाता। आई से बॉय लड़कों मैं कहता हूँ, ही क्राइड वह चिल्लाया, आई सेल बी द जज मैं न्यायाधीश बनूंगा एंड और यू कैन ब्रिंग तुम ला सकते हो ऑल योर केसेस अपने सभी मुकदमे को, केस का मीन्स होता है मुकदमा, और तुम अपने सभी मुकदमे को ला सकते हो बिफोर मी मेरे सामने। एंड वी विल हैव ट्रायल्स और मैं मुकदमा चलाऊंगा, ट्रायल्स का मीन्स होता है मुकदमा। देन तब ही स्ट्रेंड हिज फेस, देन मतलब तब, वह स्ट्रेंड का मतलब सीधा किया, हिज फेस अपने चेहरे को, तब वो अपने चेहरे को सीधा किया। एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज और न्यायाधीश के कार्य को लेकर बहुत गंभीर हो गया। वेरी ग्रेव का मीन्स होता है बहुत गंभीर, एक्ट मत का मीन्स होता है कार्य, पार्ट ऑफ जज जज के कार्य, न्यायाधीश के कार्य को लेकर वह बहुत क्या हो गया, गंभीर हो गया। अदर्स सा द फन एट वंस दूसरे अचानक इस मजाक को देखे। एट वंस का मीन्स होता है अचानक, सा का मीन्स होता है देखना, दूसरे अचानक इस मजाक को देखते हैं। विस्परिंग अमांग देमसेल्व, विस्परिंग का मतलब फुसफुसाते हैं, अमांग देमसेल्व स्वयं से, वे लोग स्वयं से फुसफुसाते हैं मतलब धीरे धीरे बातें करते हैं आपस में। क्विकली जल्द ही पिकअप सम क्वेरल्स, क्विकली का मीन्स होता है जल्दी से, पिकअप खड़े हो जाते हैं, सम क्वेरल्स कुछ झगड़े, जल्द ही कुछ झगड़े खड़े हो जाते हैं। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम और उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस मतलब कई ग्रुप में डिवाइड हो जाते थे बच्चे उस चारागाह के पास जो गाय भैंस को चराने के लिए ले जाते थे। ईच ग्रुप प्रत्येक समूह स्टेटेड कहते रखते थे देयर केसेस अपने मुकदमे को, प्रत्येक समूह अपने मुकदमे को रखते थे। वन सेइंग एक कहता दैट की अ सर्टेन फील्ड एक निश्चित मैदान वॉज देयर्स उनका है,
ये कहता कि एक निश्चित मैदान किनका है उनका, मतलब स्वयं के बारे में। अनादर सेइंग दूसरा कहता है दैट कि इट वॉज नॉट, यह उनका नहीं है, एंड सो ऑन, इसी प्रकार और, मतलब छोटे मोटे झगड़े करते हैं कि यह पौधा मेरा है या जमीन मेरा है या मैदान हमारा है या टीला, मतलब ऐसे ऐसे आपस का झूठ मूठ का झगड़ा करते। दे आल वॉन्टेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी चाहते थे कि झगड़े का निपटारा किया जाए। सेटल का मीन्स होता है निपटारा करना, डिस्प्यूट का मीन्स होता है झगड़ा। वे सभी चाहते थे कि झगड़े का निपटारा किया जाए, बट लेकिन नाउ अब ऑल अ सडन, अचानक अ स्ट्रेंथ थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, अचानक एक अजीब चीज महसूस की जाती है। इट सेल्फ का मीन स्वयं, फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट, स्ट्रेंथ मतलब विचित्र, अचानक एक विचित्र चीज स्वयं महसूस की जाती है। द बॉय, क्या महसूस किया जा रहा है आगे बताएं। द बॉय, वह लड़का, हु अपीयर, जो प्रतीत होता था सो कॉमन, बहुत साधारण, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, माउंट का मीन्स होता है टीले, टीले पर बैठने के पहले जो लड़का बहुत साधारण प्रतीत होता है, मतलब सब लड़कों की जैसा, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वह बहुत अलग दिखता है, लुक्ड का मीन्स दिखता है, सो डिफरेंट नाउ, अब वह बहुत अलग दिखता है। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह गंभीर हो जाता गया था, वह कैसा हो गया था, गंभीर, एंड हिज टोन्स, उसकी आवाज़ें एंड मैनर, उसके ढंग, वर सो स्ट्रेम, बहुत अजीब हो गए थे या विचित्र हो गए थे, एंड इम्प्रेसिव, और प्रभावशाली हो गए। दैट की द रेस्ट ऑफ द बॉयज, शेष लड़के वर लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा भयभीत हो गए थे, और जो शेष बचे हुए लड़के थे थोड़ा क्या हो गए थे, भयभीत हो गए थे। स्टिल, अभी भी दे थॉट, वे सोचे इट वॉज फन, या मजाक था। एंड और वंस अगेन, एक बार फिर, दे पुट अप, वे रखे अ फ्रेस केस, एक ताजे मुकदमे को या एक नए मुकदमे को, बिफोर हिम, उसके सामने। एंड वंस मोर, एक बार फिर, ही गेव हिज जजमेंट, वो अपने न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन, यह चलता रहता, वेंट ऑन का मीन्स होता है किसी कार्य को जारी रखना, फॉर आवर्स, घंटों एंड घंटों, टूगेदर मतलब साथ साथ, मतलब यह कार्य, मतलब यह जो खेल खेलते थे बच्चे, घंटों घंटों चलते रहता था। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह न्याय सिंहासन पर बैठा रहता, लिसनिंग टू कंप्लेंट, शिकायतों को सुनता, कंप्लेंट्स का मीन्स होता है शिकायत, एंड प्रोनाउंस, और सुनाता सेंटेंसेस, न्याय को विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ, और उसी गंभीरता के साथ न्याय को क्या करता है, सुनाता, टिल, तब तक सुनाता, इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक लौटने का समय नहीं हो जाता, रिटर्न का मीन्स होता है लौटना। एंड और देन, तब ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, तब वह अपने जगह से उतर जाता, एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, तब वह ठीक अन्य चरवाहों के समान हो जाता, अदर काउ हर्ड मतलब अन्य चरवाहों के क्या हो जाता है, समान हो जाता। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब आगे, सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड, यह चरवाहा बहुत प्रसिद्ध हो गया, सो फेमस का मीन्स बहुत प्रसिद्ध, दिस काउ हर्ड, यह चरवाहा मतलब वह चरवाहा लड़का बहुत प्रसिद्ध हो गया। दैट की ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वर पुट बिफोर हिम, ऑल द कॉम्प्लिकेटेड मतलब सभी जटिल झगड़े, डिस्प्यूट्स झगड़े, वर पुटेड बिफोर हिम, उसके सामने रखे जाते, वर पुट बिफोर हिम। एंड और ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा समान चीज घटित होती, ऑलवेज का मीन्स होता हमेशा, सेम थिंग समान चीज, हैपेंड घटित होती, और हमेशा समान चीज घटित होती। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, स्पिरिट का मीन्स होता है आत्मा, न्याय और ज्ञान की, जस्टिस का मीन्स होता है न्याय, नॉलेज का मीन्स होता है ज्ञान, न्याय की और ज्ञान की आत्मा उसके अंदर उतर आती थी। एंड ही वुड शो, वह उनको दिखाता देम द ट्रूथ, वह उनको सत्य दिखाया करता था, वह उनको क्या दिखाया करता था, सत्य, मतलब वो चरवाहा लड़का उनको सत्य दिखाया, सभी लड़कों। बट लेकिन वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जब वह अपने सिंहासन से उतरता, ही वुड बी नो डिफरेंट, उनमें कोई, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता फ्रॉम द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों से, मतलब दूसरों लड़कों की तुलना में उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज, यह समाचार स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, पूरे देश की तरफ फैल गया, स्प्रेड का मीन्स होता है फैलना, न्यूज का मीन्स समाचार, कंट्री साइड देश की तरफ, धीरे धीरे यह समाचार पूरे देश की तरफ फैल गया। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन,
बड़े आदमी और औरत फ्रॉम ऑल द विलेजेस सभी गांवों से वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट अपने झगड़े को ले आते थे इन द कोर्ट ऑफ काउहर्ड बॉयज चरवाहों लड़कों के दरबार में या चरवाहे लड़कों के न्यायालय में। मतलब सभी गांवों से बड़े आदमी और औरत अपने झगड़े को उस चरवाहों लड़कों के न्यायालय में ले आते थे एंड ऑलवेज हमेशा दे रिसीव अ जजमेंट हमेशा वह न्याय प्राप्त करते दैट की बोथ साइड्स दोनों तरफ के अंडरस्टूड दोनों तरफ के लोग समझ जाते एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाई और वे संतुष्ट के साथ चले जाते थे। नाउ अब द किंग राजा हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन वह राजा अब राजा जो हु मतलब जो लिव्ड रहता था फार अवे फ्रॉम उज्जैन जो उज्जैन से दूर रहता था हर्ड दिस स्टोरी इस कहानी को सुना हियर का मीन्स होता सुना हर्ड सेकेंड फार हर्ड दिस स्टोरी इस कहानी को सुना वेल अच्छा ही सेड वह कहा दैट कि द बॉयज मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य दैट बॉय वह लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा जजमेंट सीट का मीन्स होता है न्याय सिंहासन विक्रम वह लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा द किंग गेस वॉज करेक्ट किंग राजा का अनुमान वॉज करेक्ट सही था राजा का अनुमान क्या था सही गेस का मीन्स होता है अनुमान करेक्ट का मीन्स सही आए जैसे ही द रूइंस बर्बाद अबाउट द मिडो जैसा कि बर्बाद हुआ चारागाह वर वंस विक्रमादित्य पैलेस कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय इफ जस्ट यदि ठीक सिटिंग मतलब बैठने से ऑन द माउंट केवल मात्र टीले पर बैठने से ब्रिंग्स आ जाता है विजडम बुद्धिमता एंड जस्टिस न्याय टू द शेफर्ड बॉय चरवाहों लड़कों में ही थॉट वह सोचा कि मात्र इस टीले पर बैठने मात्र से बुद्धिमता और न्याय का गुण आ जाता है लेट अस डीग डीप हमें गहरा खुदवाना चाहिए डीग का मीन्स होता है गहरा डीप का मतलब खुदवाना हमें गहरा खुदवाना चाहिए एंड फाइंड द जजमेंट सीट और न्याय सिंहासन को पाना चाहिए आई टू मैं भी सेल सीट ऑन इट मैं इस पर बैठूंगा एंड हियर ऑल द केसेस और सभी मुकदमे को सुनूंगा देन तब द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य की आत्मा विल डिसेंड अपॉन मी मुझ में उतर जाएगी एज वेल ऐसे ही एंड आई सेल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग मैं ठीक उनकी तरह एक राजा बनूंगा ठीक मैं उनकी तरह क्या बनूंगा राजा बनूंगा आगे को हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे बस यहीं तक समाप्त करते हैं।